हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BFT फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का जो टूर है आयरलैंड का, उसका गाइस मैच नंबर 3 यानी 3rd T20 जो कि होने वाला है आयरलैंड वेमेंस वर्सेस पाकिस्तान वेमेंस के बीच में। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा। दोनों टीम जो है, एक टीम आयरलैंड की जो है वो बैटिंग से मुझे सही लग रही है और पाकिस्तान मुझे बॉलिंग से सही लग रही है। तो देखते हैं किस तरीके का परफॉर्मेंस होता है आज के मैच में। कंप्लीट वैल्यू आपको मिलेगी। अभी तक जो भी वीडियोस में आपको बताया जाता है 99% वही सही होता है। जो लोग को डाउट है वो जाके वीडियो देख सकते हैं और मैच का स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं रिव्यू को। तो यहाँ से गाइस देखो, मैच होगा आज यानी 19 जुलाई को 8:30 बजे। ठीक है, एक मिनट में डेट कन्फर्म कर लूँ, सही लिखी हुई है मैंने, 19 जुलाई ही है। आज रात 8:30 बजे यानी 8 बजे टॉस होगा। ब्रैडी क्रिकेट क्लब जो है ब्रैडी आइलैंड में, वहाँ पर ये मैच होगा जहाँ पर अभी तक मैचेस हुए हैं 2। तो पिच गाइस लास्ट टाइम यूज़ हुई थी परसों 17 जुलाई को, तो या तो पिच यूज़ हो सकती है क्यूरेटर्स ने अगर इतना उस पर काम नहीं किया होगा। अगर काम किया होगा तो जाहिर सी बात है आपको फ्रेश पिच देखने को मिलेगी। बात करते हैं लास्ट मैच जो यहाँ पर हुआ था, तो उसमें देखो आयरलैंड ही पहले बैटिंग कर रही थी 98 पे 8 विकेट के नुकसान से कलेप्स हो गई थी। पहली पारी में लेग स्पिनर को मिले थे 3 विकेट और जो फास्ट बॉलर हैं यानी पेसर्स अपने, उनको मिले थे 5 विकेट। वहीं दूसरी पारी में 103 पे सिर्फ 1 विकेट मिला था राइट आर्म पेसर को और यहाँ से चीज़ हंस के हो गया था। लेकिन ओवरऑल जो वेन्यू की रिपोर्ट है वो क्या कहती है, जो एक क्या कहते हैं हम उसको, जो बेस रिपोर्ट है वेन्यू की, वो पेस फ्रेंडली वेन्यू होता है। ठीक है, 70% पेसर्स को हेल्प मिलती है, 30% स्पिनर्स को, फर्स्ट बैटिंग फ्रेंडली होता है। लेकिन ऐसा तो अभी तक हमने देखा नहीं है इन दोनों मैचेस में। तो बात करते हैं गाइस आगे स्क्वाड की। यहाँ से गाइस आप देखो आयरलैंड के जो मैक्सिमम प्लेयर्स हैं ये पूरी ही यंग आयरलैंड है। यहाँ पर 16, 19, 21, 25 साल तक के ही प्लेयर्स हैं आयरलैंड की टीम में। ये गाइस इनका पूरा स्क्वाड है, आप इनका स्क्वाड देख सकते हो, इनका बैटिंग बॉलिंग फॉर्म देख सकते हो, मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। यहाँ से गाइस प्लेइंग 11 की बात करें तो आयरलैंड की तरफ से गैबी लुइस ओपन करती है रेबिका स्टोगिल के साथ, दोनों ही काफ़ी यंग प्लेयर हैं। लेकिन इस स्क्वाड में अगर सबसे ज़्यादा टैलेंटेड कोई बैटर है तो वो है यहाँ से गैबी लुइस, मेरी फेवरेट प्लेयर है, कंसिस्टेंटली अच्छा करना जानती है। बस मैंने आपसे लास्ट वीडियो में यही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक को किस तरीके से झेलती है, तो नहीं झेल पाई थी पहली ही बॉल पे, सॉरी एक रन बना के ही आउट हो गई थी। तो ये इनका गाइस रहेगा। ओला प्रेडिंगिश आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकती है, बैटिंग से अच्छा कर सकती हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलती हैं, बॉलिंग भी डालती हैं। ठीक है, लॉरा डेलानी कैप्टन इस टीम की, रैचल डेलानी थोड़ी सी सीनियर है, मैरी वॉल्डन भी सीनियर है, विकेट कीपर है, आलन केली टैलेंटेड है, ली पॉल, एवा कैनी, जे मजीकर और यहाँ से कैरा म्यूरे, ये गाइस प्लेयर इनका प्लेइंग 11 रहेगा मैच में आज के। बात करें गाइस यहाँ से पाकिस्तान का स्क्वाड, तो आप पाकिस्तान का पूरा ही स्क्वाड यहाँ से देख सकते हो, बैटिंग बॉलिंग कैसे करते हैं आप देख सकते हो, मैं फर्स्ट प्रीव्यू में आपको बता चुका हूँ। यहाँ से गाइस बात करें पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या रहेगा, तो देखो इरम जावेद जो 17 ईयर ओल्ड प्लेयर है ये ओपन करती हैं मुनीबा अली के साथ, विश्वा मरूफ 2 डाउन, उसके बाद निडा डर, कायनात इम्तियाज, आयशा नसीम, आलिया रियाज, फतिमा सना, तूबा हसन, डाइना बेग और अनम अमीन। बात करते हैं गाइस लास्ट मैच जो पाकिस्तान ने इसी वेन्यू के ऊपर खेला था अभी 4 दिन पहले, उसमें क्या हुआ था, बारिश की वजह से वो मैच 8 ओवर पे ख़त्म हो गया था। और मैंने भी टेलीग्राम पे अपने यही बोला था कि पाकिस्तान भी चाह रही होगी कि ये मैच जल्दी ख़त्म हो जाए, मतलब बारिश जो है ऐसी ही बनी रहे ताकि मैच कैंसिल हो जाए, क्योंकि उसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 8 ओवर फेस किया था ऑस्ट्रेलिया को और पाकिस्तान 56 रन पे 6 विकेट डाउन हो चुका था। तो पाकिस्तान भी सोच रहा होगा कि मौसम ख़राब ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, हम नेक्स्ट मैच में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उस मैच में देखो क्या किया था इसी वेन्यू के ऊपर, इरम जावेद ने 12 रन किए थे, मुनीबा अली ने 4 किए थे, विश्वा मरूफ कैप्टन है अच्छी खासी प्लेयर है 1 ही रन बनाया था, निदा डर ने 10 नॉट आउट, कायनात इम्तियाज 0 पे गई थी, आयशा नसीम 0 पे गई थी, आलिया रियाज 0 पे गई थी, फतिमा सना ने 1 नॉट आउट किया था। अब उसमें हुआ क्या था कि जो ये जितने भी बैटर्स इनके गए थे आउट हुए थे 0-0-0, ये सब का इस 95% स्ट्रगल किसके सामने किया था, लेग स्पिनर के सामने और राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर के सामने। लेकिन आयरलैंड का बॉलिंग अटैक भी मुझे इतना ज़्यादा नहीं स्ट्रॉन्ग लगता है, आलन केली है अच्छी प्लेयर है और ले बॉल कुछ कर सकती है, अदरवाइज़ मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक आयरलैंड का भी नहीं लग रहा है। तो इसलिए देखते हैं आज के मैच में, हो सकता है इनके बल्लेबाज अच्छा करें और जैसा मैंने आगे आपको बताऊंगा अभी पाकिस्तान के कुछ बैटर्स भी अच्छा करने की क्षमता रखते हैं। तो यही था लास्ट मैच का स्कोर, एक ओवर में आप समझो कि 1 रन दिया गया और 3 विकेट ले लिए पाकिस्तान के लेग स्पिनर ने एलिना किंग ने।
तो आप समझ सकते हो लेग स्पिनर के सामने कितना अटके थे। अब खैर वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स थे काफ़ी एडवांस। ये है आयरलैंड, यहाँ से बात करते हैं गाइस इनका वेरी रिसेंट फॉर्म इन T20 इस साल। ठीक है, आप देखो यहाँ से आयशा नसीम ने इस साल 1 नॉट आउट किया 45 नॉट आउट किया और 10 किया है T20 में। इरम जावेद ने 18 किया है, 11 किया है, 10 किया है। तूबा हसन ने डेब्यू किया था श्रीलंका के अगेंस्ट ही अपना इसी साल, पहले ही मैच में 3 विकेट निकाले थे, फिर 1 विकेट निकाला और फिर 1 विकेट निकाला था। आलिया रियाज ने गाइस देखो ना तो बैटिंग की ना बॉलिंग की दो मैच में, बिकॉज पाकिस्तान के अगेंस्ट सॉरी श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान काफ़ी अच्छा कर रहा था, तो एक ही मैच में इनको बैटिंग मिली, 17 रन इन्होंने किए हैं। बिस्मा मारूफ ने 28 किया, 22 नॉट आउट, 15 नॉट आउट किया था। कायनियात इम्तियाज़ गाइस बैटिंग कर सकती हैं बिलो द ऑर्डर और मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट आउट रहती हैं 20-25, बाकी देखते हैं किस तरीके करती हैं। इस साल देखो एक मैच में 4 नॉट आउट 1 विकेट है, उसके पहले यहाँ से 1 विकेट फिर विकेट लेस फिर 1 विकेट फिर विकेट लेस और लास्ट के 2 मैच में 1-1 विकेट आपके लिए निकाला है। बात करें गाइस यहाँ से निदाडर, तो विकेट लेस फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट इस साल बैटिंग से 36 नॉट आउट और यहाँ से 14 किया हुआ है। बात करें उमैमा सोहेल की, तो इस साल देखो विकेट लेस गई और 4 किया, एक ही मैच खेला T20 का और लास्ट मैच भी नहीं खेली थी, लेकिन मुझे लग रहा है अब ऑफ स्पिनर की इनको एक ज़रूरत है। उमैमा सोहेल आज के मैच में खेलती हुई दिख सकती हैं। गुल फिरोज़ा ने इस साल 0 किया और 3 किया है। मुनीब अली ने इस साल 18 किया, 17 किया, 25 किया T20 में। आयमान अनवर का इस हाईली टैलेंटेड प्लेयर है, ये 2 विकेट लिए इस साल फिर 1 विकेट लिया और उसके पहले देखो 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, 3 विकेट अगेंस्ट इंग्लैंड वेमेंस, फिर 1 विकेट फिर 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर यहाँ से 0 विकेट। तो इसलिए मैंने लिखा हाईली टैलेंटेड बंदी है। अनम अमीन ये भी गाइस सेम है, इस साल देखो 3 विकेट लिया फिर 1 विकेट लिया फिर विकेट लेस गई। लाइना बैग इस साल एक ही मैच खेला है T20 का, उसमें विकेट लेस रही थी, उसके पहले 1 विकेट 2 विकेट यहाँ से 3 मैच लगातार विकेट लेस फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट और फिर 2 विकेट लिए हुए हैं। फतिमा सना ने इस साल गाइस 1 विकेट लिया और यहाँ से विकेट लेस गई हैं। ये फतिमा सना भी गाइस हाईली टैलेंटेड है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इस साल देखो सॉरी उसके पहले T20s में विकेट लेस गई, फिर 3 विकेट लिए, फिर 2 मैच लगातार विकेट लेस गई, फिर 2 मैच लगातार 2-2 विकेट लिए और यहाँ से विकेट लेस गई है। बात करें गुलाम फतिमा की, तो इन्होंने 2018 में T20 खेला था, 2 मैच में विकेट लेस गई थी। सादाफ शमस गाइस 23-year-old प्लेयर है, राइट आर्म पेसर है, इनका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान ने स्क्वाड में इनका नाम दिया है इस सीरीज़ के लिए। सादिया इकबाल इस T20 में देखो क्या किया, 1 विकेट निकाला फिर 3 विकेट फिर यहाँ से लास्ट के 2 मैच विकेट लेस गई हुई है। सेम यहाँ से उमे हैनी, ये भी गाइस 25-year-old ऑफ स्पिनर है, इनका भी कोई डाटा कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने स्क्वाड में नाम अनाउंस किया हुआ है। बात करें पाकिस्तान की तरफ से देखो प्लेयर टू वॉच आउट कौन रहेगा, तूबा हसन का इस यंग टैलेंट है काफ़ी और अच्छी खासी स्पिन करा लेती है बॉल को, यहाँ से गाइस बिस्मा मारूफ विद द बैट अच्छा करके आपको दे सकती है। उमैमा सोहेल बैटिंग बॉलिंग दोनों में से किसी एक से आपको अच्छा करके दे सकती है। फतिमा सना अनम अमीर में से एक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मुनीबा अली एक लंबी पारी खेल सकती है, जैसा मैंने उनको खेलते हुए देखा है, बिकॉज काफ़ी टेक्निकली अच्छा खेलती है। बस यही है कि बड़ी टीम्स के सामने उनका बॉलिंग अटैक थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इस चक्कर में कई बार आउट हो जाती है। आयमान अनवर भी गाइस आपके लिए एक पॉइंट हो सकती है। तो ये गाइस कुछ प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की तरफ से जिन पे मेरी नज़र रहेगी आज के मैच में, ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में भी इनका यूज़ कर सकता हूँ, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में भी इनका यूज़ कर सकता हूँ। बात करते हैं गाइस आयरलैंड के प्लेयर्स की, तो यहाँ से आप गाइस सबका ही फॉर्म आप देख सकते हो, ठीक है, रिसेंटली T20 में कैसा किया है। अब मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ से आपको बता नहीं रहा हूँ, आपको लगेगा टाइम वेस्ट। आप सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या जब लाइनअप आए तो आप यहाँ से देख लेना, गिनती के 12 से 14 प्लेयर्स हैं, उनका सबका रिसेंटली T20 में कैसा करते हैं ये उनके नीचे लिखा हुआ है। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, यहाँ से मैं गाइस आपको बता देता हूँ पाकिस्तान के, तो मैंने आपको यहाँ से बता ही दिए, ठीक है, ये जो प्लेयर्स हैं प्लेयर टू वॉच आउट पाकिस्तान की तरफ से। बात करते हैं गाइस यहाँ से आयरलैंड की तरफ से, तो देखो आयरलैंड की तरफ से कुछ प्लेयर टू वॉच आउट कौन हो सकता है आज के मैच में, गैबी लुइस विद द बैट हो सकती हैं आपके लिए, ठीक है, यहाँ से ओला ब्रेंडिगिस आपके लिए विद द बैट विद द बॉल दोनों ही हो सकती हैं। फिर यहाँ से गाइस एक प्लेयर और है जो इनकी हाईली टैलेंटेड है, विकेट टेकर है, आलिन कैनी, क्योंकि मैंने इनको रिसेंटली अदर T20s में देखा है, तो जो T20s खेलती हैं अदर कंट्रीज़ के लिए उसमें मैंने इनको देखा है, उसमें ये गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट टेकर है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ से गाइस एक और अच्छा अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो वो आपके लिए गाइस यहाँ से
रेचल डिलानी हो सकती हैं, लेकिन रेचल डिलानी का ओवर्स कंफर्म नहीं है कितने करें, तो आप लॉरा डिलानी पे भी ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी आप इनको दे सकते हो डिफरेंट टीम्स में। बाई डिफ़ॉल्ट अगर आपको जाना हो तो आप पाकिस्तान के ही कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलर्स रख सकते हो या एक बॉलर एक बैटर रख सकते हो, ऐसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। क्योंकि देखो मैच मैंने शुरू में जैसा आपको बताया, आयरलैंड की बैटिंग पाकिस्तान की बॉलिंग, ये दोनों चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आज के मैच में। अब लेकिन एक चीज़ और क्या हो सकती है कि अगर यहाँ से पाकिस्तान पहले बॉलिंग करती है, और जो कि मुझे लग रहा है लास्ट मैच जो हाल हुआ था, आज के मैच में पाकिस्तान अगर टॉस जीतती है तो पाकिस्तान यही चाहेगी कि हम बॉलिंग करें और एक अच्छे कम से कम टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करें ताकि हम उसको चेस कर सकें। तो मुझे ऐसा लग रहा है बॉलिंग करेगी तो विकेट के भी चांसेस होंगे अच्छे खासे, क्योंकि अभी लास्ट के दो मैचेस में पहली पारी में ज़्यादा विकेट आए हुए हैं। तब आप पाकिस्तान के बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि सेकेंड लास्ट जो मैच हुआ था उसमें यही हुआ था, जो फर्स्ट बॉलिंग कर रही थी एलेना किंग और डार्सी ब्राउन कैप्टन वाइस कैप्टन थी, रैंक वन जो लाया था 3 लाख रुपये करीब जीता था थी, क्योंकि जो टारगेट था वो 100 ही रन था, तो ऊपर के दो बल्लेबाज चेस कर गए थे, वो उसकी टीम में ऑलरेडी थे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कैप्टन वाइस कैप्टन का। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ भी आप कर सकते हो, पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के 2-3 रख सकते हो बल्लेबाज, और यहाँ से इनके सारे बॉलर्स को रख सकते हो। आयरलैंड का एक बॉलर ले सकते हो, आलन केली को ले सकते हो, या ऑलराउंडर सेक्शन में से किसी को ले सकते हो। तो इस तरीके की टीम के साथ आप जा सकते हो, ग्रैंड लीग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देने वाली है। बाकी का कुछ पूछना हो इस मैच से रिलेटेड तो इस वीडियो के नीचे एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें बताना भूल जाते हैं वीडियो में। तो अगर आपको कोई डाउट हो इस मैच से रिलेटेड तो पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।